कन्नौज में कोतवाली पुलिस सर्विलांस टीम व स्वाट टीम ने एक संयुक्त अभियान में छापा मारकर शहर के हाजीगंज मोहल्ले में पिछले काफी समय से चल रही एक पान मसाला गुटखा बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभियुक्त फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने इनके पास से गुटखा बनाने की मशीन व एक प्रचलित ब्रांड का हजारों की कीमत का नकली गुटखा भी बरामद किया है। एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सदर कोतवाल विनोद कुमार मिश्रा के अलावा सर्विलांस व स्वाट टीम प्रभारी ने मोहल्ला हाजीगंज निवासी फारूक बेग के घर में गुटखा बनाने की नकली फैक्ट्री पकड़ी है। इस अवैध फैक्ट्री में पान मसाला के प्रचलित ब्रांड कमला पसंद व बिमल पान मसाला की नकल कर बनाया जा रहा था। इस नकली माल को असली बताकर गिरोह के लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री किया जाता है। सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। कस्बा कन्नौज में एक अवैध गुटखा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। सूचना के आधार पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें फारूक, अतीक, सईद, सुल्तान आलम, बशीर अहमद और अरशद अली हैं। इसमें से एक तो हरदोई का रहने वाला है, शेष सारे लोग जो हैं यहीं के रहने वाले हैं और ये लंबे समय से ये काम कर रहे थे। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 4 प्लास्टिक के बोरे में कमला पसंद ब्रांड की नकली पान मसाला है और नकली बीमल गुटखा के 4 बोरे हैं और 4 प्लास्टिक के बोरे जिसमें केपी का तम्बाकू भरा हुआ है और एक गुटखा बनाने वाली मशीन है और काफ़ी बड़ी मात्रा में रैपर हैं, उसमें मिलाने के लिए केमिकल्स हैं, इसेंस है और गैंडियर है। इसमें गैंडियर वगैरह तो चर्म उद्योग में इस्तेमाल होता है, ये प्रतिबंधित है, लेकिन इसको ये गलत तरीके से गुटखा बनाने में इस्तेमाल कर रहे थे और जान से खिलवाड़ कर रहे थे।